इधर भाजपा ने साझा विधानसभा से ईश्वर साहू को टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद साहू ने बातचीत के दौरान आईएनएच का धन्यवाद दिया आईएनएच को, और आईएनएच 24/7 ने संभावित उम्मीदवारों का चूंकि पहले ही ऐलान कर दिया था 2 तारीख को ही, और ऐसे में हमारी उसी लिस्ट पर मुहर लगी है। ईश्वर साहू जी हैं सर, लगातार आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जो है पार्टी ने आपको अवसर दिया है भाजपा प्रत्याशी के रूप में, कैसे देखते हैं इसको? हम तो खुशी की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी जो एक इतने बड़े कार्य सौंपा है, जो मेरे पे उम्मीद जताया है, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आपने जैसे बताया आप मजदूरी करते हो, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में चुनाव में भारी भरकम राशि खर्च होता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब तो भारतीय जनता पार्टी है, हमको रकम तो नहीं, हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम यानी कि दौलत के दम पे नहीं, ना पैसे की दम पे, हम एक न्याय की दम पे हमारे हिंदुत्व के खातिर, हमारे सर्वस्व हिंदुत्व के खातिर हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी की ऐसा ना हो हमारे और हिंदुत्व के साथ कोई परिवार, किसी का परिवार ना उछड़े, किसी का बच्चा को ऐसे खुलेआम न हत्या करती, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे। हम तो गरीब है, कमजोर है, और गरीब का जिस टाइम में मेरे लड़के का हत्या किए, उस टाइम में हमारे सर्व हिंदू भाई लोग, सर्व समाज के हिंदू भाई लोग हमारे साथ दिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे आके दुख की घड़ी में हमारे आंसू पोंछे, हम भारतीय जनता के पार्टी के साथ में है। जो भी मेरे पे जो भी दायित्व रखा है वो उसको मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मतलब एक तरफ जो है लोग जो है शराब बांटेंगे, दूसरी तरफ आप हिंदुत्व और जो है लोगों के बीच जाकर भरोसा हासिल करेंगे। भरोसा बस मैं क्या कर सकता हूँ गरीब, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, यही आप मेरी उनसे भीख की दुआ रहे। इनके भाई भी हैं, छोटे भाई हैं आप भाई को पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में देखा है, क्या कहेंगे आप? जितना मैं तो सबसे पहले यही कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत का नंबर वन राष्ट्रीय पार्टी है, जो एक गरीब परिवार जो रोज प्रतिदिन मजदूरी करके आता है, उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, तो मेरा भाई ईश्वर साहू उसको निश्चल उसको जीत आकर लाएगा, और हम साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में ईश्वर साहू को देख रहे हैं और विजय होकर आएगा। ये जो है हालांकि जो इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है वो देखने लायक है, इनके भाई का है, और ये जो ईश्वर साहू उनका है, ये लोगों के बीच जाएंगे और हाथ जोड़कर न्याय के लिए वोट मांगेंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर जनता किसको अपना सरताज देता है।